अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th और 11th का एक जबरदस्त टॉपिक है। इसे वन शॉट में हम देखते हैं कैसे होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, और लास्ट में चला जाता है ए प्लस एन माइनस 1d। ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये आपका सेकेंड टर्म होता है, ये जो है ए प्लस 2d आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है और ये आपका nth टर्म है। यदि मान लीजिए a3 निकालना है तो a प्लस 2d होगा, एक कम होगा। a31 निकालना है तो a प्लस 30d होगा। a17 निकालना है तो a प्लस 16d होगा। a80 निकालना है तो a प्लस 79d होगा। इस तरीके से ये कम एक कम आता जाएगा। इसी को देखते हुए जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला बनता है, लास्ट टर्म जिसे हम nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म, उसका फार्मूला बनता है a प्लस एन माइनस 1d। इसी तरीके से यदि हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो, nth टर्म पीछे से निकालना हो, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो उसका फार्मूला l माइनस एन माइनस 1d। मान लीजिए कोई सीरीज है 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से 6 के गैप में चल रही है। अब हमें इसका nth टर्म निकालना है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? इसका nth टर्म होगा tn या an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1। यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो है वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। 8 माइनस 2 यानी 6, तो कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। 2 प्लस 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 4। ये 6n माइनस 4 की सीरीज चल रही है, ये इसका nth टर्म हो गया 6n माइनस 4। इस तरीके से आपने देखा कि हम इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8 और लास्ट टर्म इसका 204 है। हमें यहाँ हाउ मैनी टर्म्स दिया जाता है कि हाउ मैनी टर्म्स इसके अंदर कितने टर्म्स ये फाइंड करना है, तो हम सिंपल लास्ट माइनस फर्स्ट कर देंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, और इसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके उसमें 1 ऐड कर देंगे। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 202 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 101 प्लस 1 102, यानी टोटल 102 टर्म्स इसमें आएंगे, तो n की वैल्यू हो गई 102। अब यदि मान लीजिए इसका हमें सम निकालना होता, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन ऑफ 204, तो हमारे पास 102 टर्म्स हैं। हम सीधा फार्मूला n बाई 2 इंटू ए प्लस एल लगा देते और ये सॉल्व हो जाता 102 बाई 2 इंटू 206। अब इसको यदि हम यहाँ से कट कर दें तो 103 आएगा हमारा आंसर, 102 इंटू 103। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से एपी के कोई भी क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ जनरल फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। एंथ टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, एंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम लास्ट उसका फार्मूला होगा एल माइनस एन माइनस 1d। ये दूसरा है। तीसरा, हाउ मेनी टर्म्स अगर निकालना हो तो फार्मूला आएगा लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस d एड 1। यदि हमें सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n बाय 2 इंटू ए प्लस एल। यदि l नहीं दिया है तो n बाय 2 इंटू ए प्लस एल की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1d, वो यहाँ रख देंगे और इस तरीके से ये फार्मूला बन जाता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, और बड़े आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें nth टर्म निकालना है tn या an और सम हमें दिया हुआ है, तो हम उसको करेंगे sn माइनस sn माइनस 1, यानी nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म यदि हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।